Many years ago, there was a slogan, "Jab tak samosa mein aalu hai, tab tak Bihar mein laloo hai." Times have changed. This is not the 1990s where Lalu really was the principal force in Bihar politics, changing the map of the state. Today, Lalu stands convicted. He cannot contest the elections. But the fact is, the charisma somewhere is still intact. Lalu may be down, but he is not out. He is, after all, the original master television communicator. What role will Lalu Prasad play in this election? Who better to answer that than the man himself, Lalu Prasad, on the Bihar Panchayat? Lalu ji, aap hi wo shakhs hain jinhone 25 baras pehle ek rath chala tha Somnath se, usme break laga di thi, aur 2014 mein jeet ke parcham ko lehrate hue jo Narendra Modi aur Amit Shah nikal pade hain, उसके केंद्र में एक बार फिर 2015 के आखिर में आप ही आकर खड़े हो गए हैं। यहां गिरफ्तार नहीं करना है, यहां पराजित करना है। क्या पूछ रहा है? यहां गेस्ट हाउस में नहीं डालना है, यहां गेस्ट हाउस में नहीं रखना है, यहां बैरंग वापस भेजना है। वो कौन सी ताकत है आपके साथ जिससे लग रहा है कि वाकई इस बार बिहार में दिल्ली वापस लौट जाएगा? आज तक ने आपने जो पंचायत लगाया है, सर्वेक्षण से पहले अगर पंचायत लगाए होते तो बड़ी अच्छी बात होती। आपका सर्वेक्षण हम लोगों ने देखा, एनडीए कितना और हमारा ग्रैंड अलायंस कितना देखा हम लोगों ने। हमने इसको माना कि ये फेयर नहीं है, रातों रात बदल जाना। हमने पूछा, बहुत जगह पूछा लोगों से कि आज तक के लोग कोई गए थे सर्वेक्षण करने कि कितना सीट कौन जीतेगा, तुम किधर जाओगे, तुम उधर। हम लोग तो खोज रहे हैं लोगों को, मीडिया के लोगों को, बैठे बैठे भय में, नरेंद्र मोदी के भय से। हाँ, मैं मानता हूँ मीडिया को, जो मीडिया बोल रहा है नरेंद्र मोदी के खिलाफ में प्रधानमंत्री के, वो बिल्कुल उस मीडिया को नस्नाबूद करने में तुले हुए नरेंद्र मोदी। आप लोग की मजबूरी को मैं समझता हूँ, लेकिन सच वो नहीं है, सच वो नहीं है जो आपने दिखाया। और लेकिन सर, सच ये भी नहीं है कि नरेंद्र मोदी से हम लोग डरते हैं। हाँ, इसको थोड़ा साफ करना। हम लोग देखते रहते हैं। नहीं सर, नहीं, आप बात सुनिए ना पहले भाई, जब डरते नहीं हैं तो डंडी कैसे मार दिया, कैसे मार दिया? हम ये नहीं मानते कि आपका रिपोर्टर का क्या कसूर है, जो आपका मालिक है। मालिक की मजबूरी, परेशानी और जो एंगल निर्धारित करेगा वही बात चलती है। हाँ, आप लोग को हम देखते थे, लेकिन सबसे बढ़ चढ़ करके जो एनडीटीवी है, एनडीटीवी इस समय में जहाँ पूरा भाजपा, भाजपा का मंत्री, भाजपा के एमपी नरेंद्र मोदी के आतंक से, आज जो हमारे यहाँ से लोग निकल के गए, मंत्री जी लोग जो बने, ये बिल्कुल जो आतंक का जो माहौल है वो सब बात हम लोग देखते रहे। अब बाबा, ये बिहार में यहाँ लड़ाई कहाँ है? डेट अनाउंस हो गया, डंका बज गया, बिगुल फूका गया। हम अपना बेटा का रिप्लाई सुन रहे थे, आप लोग लगातार जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज। रविशंकर आए थे, मिस्टर रविशंकर वाज माई असिस्टेंट सेक्रेटरी यूनियन में, एंड द जूनियर मोदी वाज सेक्रेटरी। तो अच्छा होता कि तीनों को हम लोग को एक साथ बैठाते आप लोग। मुझे अफसोस है, ओबेसी को कैसे यहाँ बुलाया गया, ये क्या बताना चाहता है लोग? ये ओबेसी, मिस्टर ओबेसी,
को यहां आज बुलाने का क्या उचित था? यह बताया जा रहा है कि बिहार में ये घुसे हुए हैं, दिखाया जा रहा उनका प्रवचन, ऐसे लोगों का भाषण मैंने देखा। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल का जो गठबंधन है, किसी भी कट्टरपंथी हिंदू, कोई भी कट्टरपंथी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल का कोई स्थान नहीं है धर्मनिरपेक्ष सामने में। और ऐसे लोगों को भूल जाते हैं लोग, समझते हैं कि बिहार चोंचों का मुराबा है, ये बिहार है, कहीं दूसरा दाव खेल सकते हैं लेकिन बिहार है। उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है बिहारी लोग, और हल्दी इस बार लगेगा और हल्दी लग चुका है। बताइए, नीतीश को गाड़ी देना, लालू यादव, जंगल राज, जंगल राज, आपको समझ में नहीं आता है कि सारा अटैक है जादुओं पर, जदुवंशियों पर, कि कैसे जदुवंशियों को हम बिखराओ, कैसे इनको हम तोड़े हैं। इनको पता ही नहीं है जादुओं के करैक्टर के ऊपर, जादुओं के चरित्र के ऊपर, इनको मालूम नहीं, इनको अध्ययन नहीं है। देश आज जो संकट में डाला है इन लोगों ने, भाजपा कोई पार्टी है क्या? भाजपा कोई पार्टी है या मखौटा है? आरएसएस असली ताकत है। और आपने देखा होगा हाल ही में आरएसएस का जो हेड है सुदर्शन जी, ये भागवत, मोहन भागवत जी, हिसाब लिया नरेंद्र मोदी का। ये बोलते थे कि सांस्कृतिक, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आरएसएस वो काम करता है, हम पॉलिटिकल नहीं, ये बोलते थे। और ये लोग माफी जो मांगे थे इमरजेंसी के दिनों में कि हम छूटे गए तो इंदिरा जी के 20 पॉइंट प्रोग्राम का बाहर में जाकर समर्थन करेंगे, बताओ है बात सच के नहीं? लालू से पेट छिपाओगे? हमारी जो शेड्यूल कास्ट की माँ होती है या जो प्रसव कराती है उसे कोई पेट नहीं छिपा सकता है। माफी मांगेंगे, मैंने माफी मांगा। लालू यादव सामाजिक न्याय का दौर, 90 के पहले का बिहार, 90 के बाद का बिहार, पता नहीं हम समझते नहीं लोगों को। 90 के पहले खाट पर से जहां दबा कुचला पिछड़ा आदमी इंसान बैठा, खाट से उठ जाता था, उठा रहा पाओ, ये जुल्म का दौर था 90 के पहले। इनके खिलाफ हमारा लड़ाई है। सामाजिक न्याय का दौर, मंडल कमीशन, और उसी समय ये सांप्रदायिक ताकते कमंडल लेके निकले थे आडवाणी जी, जो आज आडवाणी जी मरण शस्या पर पड़े हुए हैं नरेंद्र मोदी के उत्पात से। मैं बताऊंगा कैसे पड़े हुए मोदी, ये आदरणीय आडवाणी जी क्या बोल रहे? लालू नहीं बोल रहा है, आडवाणी जी ने कहा, जो आडवाणी जी नरेंद्र मोदी को बढ़ाया। मैं एमपी था, अपर हाउस में था, वही जून था गोधरा में, आज दंगा का जो दौर था, क्या उपदेश चलाया जा रहा देश में, क्या प्रवचन हो रहे हैं? माननीय अटल जी ने कहा नरेंद्र मोदी कौन सा चेहरा लेके हम दुनिया में जाएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे, राजधर्म की भी कोई बात होती है? हम लोगों ने कहा एक्शन हो, देखिए हमारे ऊपर मुकदमा है, मैं डरने वाला इंसान नहीं हूं, मुझे कोई दबा नहीं सकता है। मैं बराबर आप लोगों को बोलता हूं, नली और गली में मैं मिट जाऊंगा, लेकिन सांप्रदायिक ताकतों को फलने फूलने नहीं देंगे, ये हमारा करैक्टर है। अमर जादव बोलते जादव जादव जादव, कुछ फजूलों को निकाल के हमने बाहर फेंका, ये कहां से हेलीकॉप्टर आ रहा भाई?
कहाँ से हेलीकॉप्टर आ रहा, कहाँ से पैसा आ रहा, घूम रहा, लालू को गाड़ी दो, लालू को गाड़ी दो। ठीक है, वो हमारा लड़का तेजस्वी, किसके कूल और खनान में बड़े नेताओं को लगाइए, कोई भी हो, शरद पवार से लेकर के माननीय सोनिया गांधी जी से लेके, आ किसका बेटा बेटी राजनीति में नहीं है, तो रहेगा नहीं तो क्या करेगा। ये डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, और रिपोर्टर का बेटा रिपोर्टर नहीं होता क्या, और फिर बन जाता है एडिटर। क्या बात, क्या डिस्कशन होता रहता है आप लोगों के टीवी पर भाई, आपका नहीं मैंने और लोगों के टीवी पर सुन रहे हैं क्या, बताओ। बोलता जादो जदुवंशी हो, जदुवंशी हो भाइयों को, यही गांधी मैदान में, अभी इसी गांधी मैदान में जो रैली हुआ स्वाभिमान रैली, साफ साफ हमने वोटिंग करा दिया, बोलो हमारे राजनीति पर विश्वास है या नहीं है, बताओ साथ रहोगे कि नहीं रहोगे, तुमको गाली दिया जा रहा है। नरेंद्र मोदी भाजपा वाला गाली नहीं दे रहा था, और क्या कर रहा, जंगल राज, जंगल राज। दो पिछड़ा नेता इकट्ठा हुआ जो बिखरा हुआ था, नीतीश कुमार और लालू यादव, उसको जब जिस दिन से मिलन हुआ है तो जंगल राज हो गया, जंगल राज, जंगल राज बना दिया। क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में, अभी जो किलिंग हुई, मैं पढ़ के सुनाता हूं, अभी गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को जब हमने ताकत दिया, इसी नगर में, इसी पटना में, परसों जी आप पता कर लीजिए, आनंद है आनंद सुपर 30 वाला, जिन बिहारियों को आप लोग समझते हो कि ये सब बेवकूफ होते हैं बिहार के लोग, हमारा लड़का लड़की बिहार के लोग में जो टैलेंट है, जो हुनर है, जो गुण है, इसको आज तक एक्सपोजर नहीं करा गया। सुपर 30 का आनंद हमसे मिलने आया, इसी नगर में है, सुन रहा होगा वो लड़का, मिलने आया कि सर मेरा नाम आनंद है, हमको क्या करने आए हो, कौन हो तुम, तो बोला हम सुपर 30 या 100% फर्स्ट क्लास, फर्स्ट हमारा तैयार किया हुआ लड़का निकल रहा दुनिया में, मेरा डंका बजाता हूँ, काहे हो काहे के लिए धन्यवाद। तो सर इसलिए हम आए हैं, आपका पैर छूने हम आए हैं, अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो लड़का केस कर सकता है हमारे ऊपर, हम आपका लेग टच करने आए हैं, आई केम टू टच योर लेग। हम कहे भाई Why you came to touch my lid? हमने क्या किया है बताओ। तो सर मैं अत्यंत पिछड़ी जाति के चंद्रवंशी मैया के कोख से, जिनको कहार भी बोला जाता है, उनके पेट से निकले हुए हम वो लड़का हैं। अगर लालू जी, नेताजी आप नहीं होते तो आज आनंद इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंचता, ये हमारा इसलिए है जंगल राज। हमारे भाई रामविलास पासवान जी गिन्नी बुक में नाम लिखाने वाले, अद्भुत मौसम वैज्ञानिक, दिल्ली वाले नहीं इसरो वाले, आपको याद होगा भाई रामविलास जी सुन रहे होंगे कि सपमा, बलवीर पुंज जी और पार्टी एमपी, हम लोग गए थे, पत्रकार लोग आप लोग ले गए थे, विनोद भाई हिंदुस्तान टाइम वाले सब लोग थे, गए थे हम लोग पाकिस्तान, ऐसा वातावरण हमने अपने देश में बनाया था उन दिनों में। हमारी बेटी चंदा है, उसका पति कमांडर है इंडियन एयरलाइंस में, बोली कि पापा, हम कहा क्या बेटा, तो पाकिस्तान जा रहे हैं, हम कहे हाँ बेटी जा रहे हैं, तो पापा बच के रहिएगा, ये अवधारणा फैला कर रखा पाकिस्तानी भाइयों को, जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हम एक थे, हमारा पड़ोसी है, हमारा वो भाई है, भले अलग 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 देश बन गया जिन चाहे जिनके कारणों से गए। लालू का जो वहां स्वागत हुआ, गुलाब के फूल से टोकरी के टोकरी हमको ढकने लगा लो हवाई अड्डा से, कितना एमपी अपना बक्सा घिस जा रहे थे।
या भाषण करते हैं। तो जनरल मुशर्रफ साहब के पास हुआ भाई कि लालू जी हैं, ये फलाना है, ये फलाना है, फलाने तो जनरल मुशर्रफ जी सुन रहे होंगे। जनरल मुशर्रफ जी ने हाथ मिलाते हुए कहा कि लालू जी को कौन नहीं जानता है, इनकी पत्नी को, इनके गैया को, इनके भैंसिया को, पत्र से पत्रिका से हम लोग जानते हैं, तो इसमें पीछे कैसे छूटेगा राम विलास भाई। इनका पारी आया, बोलो राम विलास भाई झूठ है क्या, इनका पारी आया तो बोले हम वही राम विलास पासवान है, हम वही, हमको कहा है वही राम विलास भाई बोल रहे हैं, हम वही राम विलास पासवान है कि गोधरा के सवाल पर हम केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा किया। बताइए क्या लोग है भाई, क्या राजनीति है, किन किन को आप बैठाते हैं आप लोग भाई टीवी में, कौन कौन लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बहस करते रहता है, हम लोग का मतलब सर दर्द होने लगता है। ये सब लोग हैं पूरे देश में जो इन्होंने छल करके वोट ले लिया था, लोग बह गए थे। मिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फेल ऑन ऑल फ्रंट, ही वांट फुल प्रूफ पावर इन द कंट्री, और स्पेशली इसीलिए गला फाड़ फाड़ के यहां घूम के आए हैं, कहे के लिए हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, गांव गांव में आरएसएस बैठा है, और एक ट्रेन बिहार के लड़का सबको ले गया है लोग नागपुर में पकड़ा है, नागपुर ले क्या यो क्या ट्रेनिंग करने के लिए। तो नरेंद्र मोदी फेल हो चुके हैं। मॉर्निंग शो द डे, सुबह बताता है कि आज दिन कैसा होगा, ये सुबह बताता है नरेंद्र मोदी फेल हो गया है। तो फेल हो गए हैं तो इनका जो एजेंडा है आरएसएस का बीजेपी का, इस देश में तिरंगा के जगह पर भगवा ध्वज फहराने का, वहां ये मुरली मनोहर जोशी जी उस समय बोलते थे तंत्र मंत्र की पढ़ाई हो, अब ये कह रहे हैं कि योग करो, योगा करो, सूर्य नमस्कार करो, पेट खाली है, लोगों का पेट ऊंचा हो सकता है, दाल नहीं है कटोरी में, योगा करो, नौकरी नहीं है, युवा युवती करे हुंकार, कहां गया मेरा रोजगार, इस पर न बहस करो। करना चाहते हैं राइट कराना चाहते हैं ताकि इनको फुल प्रूफ हिंदू लोग को कमलाइज करके इसको कैश करें। लालू इनके डिजाइन को समझ रहा है, इसलिए हमारा है मंडल वर्सेज कमंडल। हाँ देख लेते हैं तुम्हारे ताकत में कितना धन है, हमारा ये बिहार है नहीं पर भसाया है हमने आपके रथ को समस्तीपुर में, दुनिया में कोई रास्ते नहीं नजर आ रहे थे तो खुदा का साया इसी बिहार में समस्तीपुर में हमने 4 बजे भोर में मांडी अडवाणी जी को और सिंघल जी को गिरफ्तार करके हेलीकॉप्टर में लोड करके आमासान जोर पर भेज दिया, एक चूहा भी नहीं मरा। That's it on this battle for Bihar, coming to you from the ancient city of Pataliputra, now Patna. Over the next 6 to 8 weeks, this will be the country's political capital. And it's on India Today and Aaj Tak that every big player will be heard as they face the battle for Bihar. Thanks for watching.